शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती, ये ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे वक्त किसी की मदद लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, इसलिए अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो हमारे विश्वास पर भी यकीन कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गहना आपके भरोसे पर खरा उतरेगी। ठीक है महेंद्र जी, आपसे जवाब चाहिए। बताइए महेंद्र जी, क्या ये सच है कि आपकी एक नाजायज औलाद है? महेंद्र जी, आपकी बेटी उर्वशी का काला टीका कौन है? उर्वशी के पापा, क्या हो गया इनको? अच्छा हुआ गहना तुम आ गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन से कपड़े क्लाइंट को भेजने हैं। मालिक, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया, आपको पता है कि उर्वशी मैम साहब, उन्होंने हमें खुद बोला है कि हम तुम्हारी मदद लें। गहना, यहाँ पर वैसे ही इतना कुछ खराब हो रहा है इस घर में, प्लीज हमारी मदद करो ना। अगर हम कोई चीज सुधार सकते हैं तो कम से कम उसे सुधारने की कोशिश तो करें। हम ये सब काम के लिए काबिल नहीं है, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों? बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मना मत करना। उर्वशी के इस हादसे के बारे में किसी को पता न चले। अगर उर्वशी ने इस ऑर्डर को करने से मना कर दिया ना, अगर उसने नहीं किया ना, तो उसके करियर के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया वालों को एक नया हेडलाइन मिल जाएगा और उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। गहना प्लीज। हेम साहब, बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, फिकर मत करिए, हम कोशिश करेंगे। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। तुम लोग काम करो, हम उनको देख के आते हैं। ना आप तो बता दो कि कौन से कपड़े भेजने हैं। सबसे पहले उर्वशी मेम साहब क्लाइंट को डिजाइन भेजती हैं और फिर क्लाइंट हामी भरते हैं, तब जाकर कपड़े बनते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास उतना समय नहीं है, हम क्लाइंट को सीधा सैंपल भेज देंगे और उनको पूछ लेंगे कि उन्हें कैसे और कितने कपड़े चाहिए। हाँ। एक मिनट, ऐसे हम ये ऑर्डर पूरा कर देंगे। तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही आता है गहना। अरे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, हमारी भी नहीं। मालिक, हम इस घर के नौकर हैं। यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आए थे, यहाँ मालकिन बनने नहीं आए हम। देव भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे पास रहो। जब तक ये नौकरानी वाली बात तुम वापस नहीं लेती हो ना, तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। नौकरानी ही तो है आपकी, बताइए और क्या है? हम ये नया रिश्ता याद है तुम्हें, और जो बचपन से हम दोनों रिश्ता निभाते आ रहे हैं वो भूल गई हो तुम। हमारी दोस्ती का रिश्ता भूल गई हो तुम। तुम्हें
तुम्हारे सर से नौकरानी का थप्पा हटाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम। कल सुबह 9 बजे से पहले उर्वशी मैडम को हमें साबित करके रहेंगे कि तुम ये काम करने के अच्छी तरह से काबिल हो। आता है हमारा। हमने क्लाइंट्स को भेजने के लिए कुछ कपड़े पसंद किए। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उन्हें देखें और अपनी मंजूरी दें। पर कपड़े हैं कहाँ? उर्वशी चौधरी के सारे डिजाइन बहुत ग्लैमरस होते हैं। वो मेरा सिग्नेचर स्टाइल, लेकिन ये कपड़े बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। इनमें कोई स्टाइल नहीं। गौरव, तुमने ये डिजाइन भेजे हैं क्लाइंट्स को? हाँ मैडम, क्योंकि हम एक मॉडल हैं, हमें जैसा समझ में आया हमने वैसा किया। एक मिनट, साइड ले जाओ मुझे। तो तुमने क्या किया गौरव? गौरव मेरा एक स्टेटस, एक रुतबा है, सो प्लीज मेरा और मेरी कंपनी का नाम मत डुबाओ तुम। और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे और गहना से ये सब नहीं हो पाएगा, और आइंदा मेरी परमिशन के बिना कोई भी डिजाइन्स क्लाइंट को नहीं भेजोगे तुम। ओके, कम ऑन गहना, इन्हें चुप कराओ, उर्वशी मैडम को गलत साबित करो, कम ऑन। वापस ले चलो। मैंने तुमसे कहा था ना गौरव, इससे नहीं होगा। कहना, क्यों किया तुमने ऐसा? हमारी बेइज्जती करवा के क्या मिला तुम्हें? क्यों ऐसे सादे कपड़े चुने तुमने, जबकि तुम्हें पता है कि उर्वशी मेम साहब उसमें से कुछ भी पसंद नहीं करेगी, ऊपर से हमें डांटेंगी। गौरव, तुम खुश किस? अरे वही तो बात है ना गहना, हम अच्छे से जानते थे कि तुम पहली बार में जो भी कपड़े दिखाओगी ना उसको वो मनाही करने वाले। अरे वो चाहती नहीं है कि तुम ये करो, अब हम चाहते हैं कि तुम फिर से जाके अपना हुनर दिखाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम सादे कपड़ों को भी फैशनेबल बना सकती हो। लेकिन इस बार भी अगर उन्होंने वो मान जाएंगे, इस बात का हमें यकीन है। ये सारी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सब चलते हैं यहाँ से, प्लीज। रुक जाए, हम अभी सब ठीक कर देते हैं। बढ़िया,
बहुत अच्छा काम किया है। इतने कम समय में जो भी उपलब्ध था उसकी मदद से तुमने साबित कर दिया आज कि तुम भी काबिल हो। उर्वशी का काम पूरा करके तुमने बहुत अच्छा किया। हमने कहा था ना मैडम जी, देख लीजिए गहना ने 9 बजने से पहले ही खुद को साबित कर दिया। अब तो मान जाइए आप। ठीक है, लेकिन सारा काम मेरी निगरानी में होगा और मेरी हामी के बिना कोई भी कपड़ा स्टिच नहीं किया जाएगा। ओके? ऐसी कामयाबी हासिल करती रहो बेटा सुकीर। क्या हुआ है गहना? तुम्हें क्या लगता है गौर, तुम ये सब जो कर रहे हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा? देखो तुम्हें ये सब हमारे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे खुद को। कहना हम जानते हैं तुम खुद के लिए काफी हो, पर जब तुम ये अपने आप को नौकर बोलती हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बोले हम, नौकर ही है ना, पर यही तो सच है। पर इसको बदला जा सकता है ना गहना, जैसे हम ड्राइवर से मॉडल बने वैसे तुम भी अपनी कला से कोई मुकाम हासिल कर सकती हो। तुम यहाँ तक अपनी बीवी की वजह से हो और तुम्हारी मानसिक रूप से बीमार बीवी हमें यहाँ तक कभी नहीं आने देगी। मानसिक रूप से बीमार? कुछ हम कुछ समझे नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? यह ना क्या किया है उर्वशी मैडम ने? क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरे पति को मुझसे छीन लोगी? कहना हमें बताओ उर्वशी मैडम ने क्या किया है? तुम्हें क्या लगता है गौरव, उन्हें इतनी चोट कैसे आई, इतना खून कैसे बह गया? तुमने हमारे कमरे में जो भी सजावट की थी वो उन्होंने देख ली थी। उनके सर पर एक अलग ही जुनून सवार है तुम्हें लेकर गौरव। हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो। खैर हमें कोई चिंता नहीं है कहना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए तुम हमेशा हमारे साथ हो। मालिक सुबह ऑर्डर की तैयारी करने कितने बजे आना है आप हमें बता दीजिएगा। बड़ी मेम साहब, आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए और ये हल्दी वाला दूध लाए हैं हम आपके लिए, वो पी लीजिएगा। हम यहाँ रहकर साहब जी का ध्यान रखेंगे। पंडित जी की बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। हमें ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई लड़की है जो हमारे घर के लिए काला टीका हो, पर ये हम जरूर समझ चुके हैं कि तुम हमारे घर के लिए रक्षा कर। सुनो हमें तुमसे कुछ कहना है। पंडित जी ने जो कहा वो सच था, इस घर का काला टीका है उर्वशी की छोटी बहन और हमारी नाजायज बेटी। मतलब
लिए आज वो पत्रकार आए थे और यहाँ घर में आकर आपको परेशान कर रहे थे। साहब जी, आप संभालिए खुद को और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपका ये राज मरते दम तक किसी को नहीं बताएंगे। हमने हमारी दूसरी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जासूस भी रखे, पर मीडिया तक बात पहुंच गई। हमें नहीं पता कि हम अपनी दूसरी बेटी को कैसे ढूंढे। साहब जी, आप फिक्र मत करिए, हम खुद आपकी दूसरी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे। हमारा भी यही मानना है, कहना से बेहतर इस कंपनी को कोई और नहीं बचा सकता। काम को कम समय में करने की कला और मेहनत सिर्फ गहना के पास में है। मैडम, हम सिर्फ एक मॉडल हैं। कपड़े बनाने की कला और उन्हें समझने की काबिलियत गहना में है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गहना आपके भरोसे पर खरा उतरेगी। मेम साहब, आपने हमें बुलाया था। जो डिजाइन्स तुमने क्लाइंट को भेजे थे उन्हें वो पसंद आए। आज के आज ही सारे सैंपल्स वहाँ पे भिजवा देना। गौरव पापा के साथ किसी जरूरी मीटिंग में होगा, इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है मीम साहब, आप फिक्र मत करें, हम ये सारा काम एकदम अच्छे से कर लेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। शुक्रिया मीम साहब। तुम मुझे क्या ही निराश करोगी गहना, तुम निराश करोगी तो खुद को। तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये काम मैं तुम्हें पूरा करने ही नहीं दूंगी। इसमें तो तुम्हारी हार पक्की है। सारा काम हो गया है, सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने, 60 टॉप, 3 जैकेट, 5 गाउन। ना बस हम इस पे वो लेबल लगा देते हैं। साहब जी, आप यहाँ क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? आप आवाज लगा देते हम आ जाते ना। आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की? कहना, पहले ही तुम हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो और हम है कि जबरदस्ती तुम पर एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमारे लिए उस लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है। उर्वशी ने बहुत सहा है, एक पिता होने के नाते हमने उसे हर दुख हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। हमारी एक बेटी को बचाने के लिए हमें अपनी दूसरी बेटी को ढूंढना होगा। राजनीति में आने के बाद हमने जितनी भी रैलियां की उन सब के बारे में इसमें लिखा है, शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिले। हम उस औरत का नाम तो जानते हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाहेंगे। उस परिवार के जिस शख्स से हम संपर्क में थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इससे ज्यादा हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है। आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बड़ी मेम साहब जी यहाँ देखने आए थे कि हम ये सारा काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, वो पूजा की थाली जो है वो तैयार कर देना, गौरव ऑफिस के लिए निकलने वाला है। जी चलिए। Thank you.
हमारी अम्मा कहती हैं कोई भी शुभ काम में जाने से पहले आरती करनी चाहिए, काम अच्छे से होता। तुम्हारी अम्मा जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। आपके हाथ अभी भी कमजोर है। गहना बेटा तुम एक काम कर दो ना, तुम दूसरी तरफ से पकड़ लो, उर्वशी की मदद कर लो। ठीक है। हमारी असली पत्नी गहना का हाथ लग गया आरती पर, तो अब सारा काम शुभ ही होगा। रुक जाओ, मैं अपने कमरे में खुद चली जाऊंगी, तुम जाकर डिलीवरी देखो। वो निकल रही है यहाँ से, तुम अपना काम शुरू करो। अब उस गहना को पता चलेगा उर्वशी चौधरी के काम पर नजर डालने का क्या नतीजा होता है। हम पर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अब हम कैसे ये ऑर्डर पूरा करेंगे? अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।